आज हम बनाएंगे पनीर कुलचा। तो सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन लिया है हमने, गैस को मीडियम पे रखेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे प्याज डालेंगे और इन्हें हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। ये हम फ्लेवर के लिए डाल रहे हैं, इससे पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें भूनेंगे। सब्जियों को हमें क्रंची ही रखना है, ज्यादा नरम नहीं करना। ये पनीर कुलचा घर में जो बेसिक मसाले पड़े होते हैं उन्हीं से ही बनाया जाता है, इसमें कुछ खास चीजों की जरूरत नहीं होती, मगर होता बहुत टेस्टी है। आप जब घर में कोई पार्टी हो या बर्थडे हो तो ये पनीर कुलचा बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगा। है भी बहुत सिंपल सी और आसान सी रेसिपी। प्याज और शिमला मिर्च को भूनते 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें ये 2 टमाटर मैंने लिए थे, बारीक काट लिया उसको, ये डाल देंगे और साथ में थोड़ा नमक डालेंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से नरम हो जाएं। नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब टमाटर को नरम होने तक पकाएंगे। टमाटर नरम हो चुके हैं, अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे। ये हमने किचन किंग मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। देगी मिर्च 1/2 टीस्पून, क्योंकि हम हरी मिर्च डाल चुके हैं, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को भी 1/2 मिनट तक भून लेंगे। गैस हमने बिल्कुल सिम पे रखा है कि हमारे मसाले जले नहीं। सब मसाले अच्छे से भुने जा चुके हैं, हमने इन्हें 1/2 मिनट ही भुना है। अब इसमें ये ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे, ये 200 ग्राम पनीर है। अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को मीडियम पे कर देंगे और इसे भी 3-4 मिनट अच्छे से भून लेंगे। आजकल गर्मी का मौसम है, हरा धनिया नहीं मिलता मार्केट में, तो ये मैंने सर्दी में काफी सारा धनिया घर पे सुखा के रखा था, इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये आजकल मेरे काम आ रहा है, मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ, फ्रिज में रखा मैंने स्टोर करके। ये डाल दूंगी, ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी, मैं इसमें हल्दी डालना भूल गई थी, इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर डालने के बाद भी हमने अच्छे से 5 मिनट सब चीजों को भून लिया। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये हमारी कुलचे की स्टफिंग तैयार हो गई है। ये हमने 4 कुलचे लिए हैं, अब इसमें ये स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए ऐसे इसमें फैला देंगे। ये पनीर वाला कुलचा फटाफट बन जाता है, मगर खाने में ये बहुत टेस्टी है। जब भी आपको कभी भूख लगे अचानक तो आप ये फटाफट बना के खा सकते हैं। अब इसके ऊपर ये दूसरा कुलचा रखेंगे और इसे ऐसे बीच में से काट लेंगे। ऐसे ही दूसरा कुलचा भी।
अगर आपके पास ग्रिलर है तो आप इसे ग्रिलर में सेक सकते हैं। मैं इसे पैन में सेकूंगी। मैं जिस पैन में स्टफिंग तैयार की थी उसी में ही कुलचे सेक लूंगी। गैस चलाया मैंने, मीडियम रखा है गैस पे। इसमें बटर डालूंगी थोड़ा, सब तरफ फैला देंगे। बटर को थोड़ा गर्म होने देंगे। बटर गर्म हो चुका है, अब इसमें ये कुलचे रख देंगे और इन्हें हल्का सेक लेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे इन्हें। गैस को मैंने लो मीडियम पे रखा है ताकि नीचे से जले नहीं, और ऐसे उलट पलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे इन्हें। अब इसकी साइड पलटी करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसे सेक लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका, और ये गर्मा गर्म खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। कुलचे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल दूंगी। ऐसे ही दूसरे कुलचे भी सेक लेंगे। सारे कुलचे हमारे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। अब इन्हें सर्व करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, पनीर वाला स्टफ्ड कुलचा। इसे हमने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। ये एक टोमेटो केचप होममेड है, इसका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस सॉस के साथ ये कुलचा बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।